दोस्तों नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है लूपिन का पार्ट टू। तो इस वीडियो में मैं पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का रिव्यू करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लूपिन पार्ट वन में भी 5 एपिसोड थे, पार्ट टू में भी 5 एपिसोड है, यानी कि पूरा सीजन आपको 10 एपिसोड में कंप्लीट करना पड़ेगा। कहानी की बात करूँ तो पार्ट टू जो रिलीज हुआ है वो देखने के लिए पहले आपको पार्ट वन 100% देखना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप पार्ट टू नहीं देख सकते, क्योंकि पार्ट टू की कहानी एग्जैक्ट वहीं से शुरू होती है जहां पे पार्ट वन की कहानी ख़त्म हुई थी। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको पार्ट टू देखना है तो पहले पार्ट वन ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों कहानी पार्ट वन की भी और पार्ट टू की भी आपको स्टार्ट टू एंड बांधे रखती है। जैसे पार्ट वन में पहला एपिसोड स्टार्ट होता है तो आप कहानी से पूरी तरह से एंगेज हो जाओगे, वैसे ही पार्ट टू में भी पहले एपिसोड से ही आप पूरी तरह से एंगेज हो जाओगे। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, कहानी में आपको थ्रिल देखने को मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, ये सब आपको भर भर के इस दोनों पार्ट में देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे एपिसोड ख़त्म होते जाएंगे, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा। कहानी आपको इतना सा भी बोर नहीं करेगी, आप जैसे ही इसको देखना स्टार्ट करोगे वैसे ही आप मन में ठान लोगे कि भाई अब इसको मुझे ख़त्म ही करना है, आपको एक सेकंड के लिए भी बोरिंग फील नहीं होने वाली है। कहानी अपने फोकस से बिल्कुल भी हिलती हुई नज़र नहीं आती है, जो कहानी का फोकस है वहीं पे कहानी अपना फोकस करती रहती है, ना कि कहानी ड्रैग हो रही है, ना बोरिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस कहानी आगे बढ़ती जा रही है और आपका इंटरेस्ट भी कहानी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। कैरेक्टर की बात करूँ तो जो मेन कैरेक्टर है असेन का, काफ़ी ज़बरदस्त है, बंदे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और ज़बरदस्त तरीके से अपने रोल को निभाया है दोनों पार्ट में। पार्ट वन में आपको असेन और मेन विलन उसकी टक्कर बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन पार्ट टू में ये दोनों की टक्कर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलने वाली है। पार्ट वन जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर स्टोरी अधूरी रहती है, फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है पार्ट टू से, और अच्छी बात ये है कि दोनों पार्ट ख़त्म होने के साथ साथ स्टोरी भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसकी सीज़न टू बोलो या पार्ट थ्री बोलो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन वो 100% आने वाला है, और ये आपको पता चल जाएगा पार्ट टू का लास्ट एपिसोड आप देखोगे उसमें ही। बाकी के जो कैरेक्टर है सबकी परफॉर्मेंस सुपर डुपर ज़बरदस्त एकदम मस्त है, और BGM भी बहुत ही बढ़िया है, प्रोडक्शन क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, काबिले तारीफ है, और ये दोनों पार्ट आप फैमिली के साथ बिल्कुल देख सकते हो। हाँ थोड़े किसिंग सीन ज़रूर है लेकिन न्यूडिटी बिल्कुल नहीं है, तो आप फैमिली के साथ इसे ज़रूर देख सकते हो। इस वेब सीरीज़ को मैं देने वाला हूँ 4.5 out of 5। ये आधा स्टार मैंने क्यों काटा अब मैं इसकी बात करूँगा, तो एक ही पॉइंट है मेरे पास नेगेटिव बोलने के लिए, और ये है कि आप जब इस वेब सीरीज़ को देखने बैठो तो अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाना, अपना दिमाग चलाए बिना अगर आप इस दो वेब सीरीज़ को देखोगे, दोनों पार्ट को देखोगे, तो आप बहुत एन्जॉय करोगे, आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि कई कई जगहों पर एसएन को ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें अपना दिमाग चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने आधा स्टार काटा है। तो 4.5 out of 5, आपने दोनों पार्ट देख लिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आपको कैसा लगा, और नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोनों पार्ट को आप बिल्कुल देख लीजिए। धन्यवाद।